गणेश की पूजा करने वाले लोग, गणेश की भक्ति करने वाले लोग, विघ्नहर्ता को समर्पित लोगों के लिए बहुत बड़ा दिन। उसी दिन आज एक और बड़ी बात है, हमारे राष्ट्रकवि दिनकर जी की आज जयंती है। ऐसे शुभ मौके पर आज पूर्वांचलियों का यह महाकुंभ दिल्ली में जो मेरे सामने है, मैं केजरीवाल साहब को कहना चाहता हूं, केजरीवाल साहब 4.5 साल के बाद ये जो पूर्वांचल का कुंभ हुआ है ना, वो देख लीजिए तो आपको मालूम पड़ेगा आपकी सरकार के खिलाफ कितना आक्रोश है। राहुल बाबा आप भी सुन लो, केजरीवाल तो खाओगे क्या भैया? दिल्ली की सातों सीटें इस बार मोदी जी की झोली में जाने वाली है। इसको गंगा बही है, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, इसमें सबसे ज्यादा पसीना अगर किसी ने बहाया है तो मेरे पूर्वांचली भाई बहनों ने उनके पसीने से। विकास चाहे गुजरात का हो, विकास चाहे महाराष्ट्र का हो, विकास चाहे दिल्ली का हो, कर्नाटक का हो, गुड़गांव का हो, इसके नील में जाओगे तो मेरे किसी बिहारी किसी उत्तर प्रदेश के भाई के पसीने की महक पूर्वांचलियों में पूरे देश में फैलकर श्रम यज्ञ कैसा होता है, अपने पास हो देश को कैसे दिया जाता है, इसका उदाहरण मेरे पूर्वांचल ने कहा था। भारत माता की दो पूजाएं, एक पश्चिम भारत और एक पूर्वी भारत। पश्चिम भारत का तो विकास बहुत हो गया, मगर पूर्वी भारत का विकास करना भी बाकी है। तो मोदी जी ने वादा किया था, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो पिछड़े हुए पूर्वांचल का विकास उसकी सर्वप्रथम प्राथमिकता होगी, सर्वप्रथम प्राथमिकता। और बात तो आप 5 साल हो गए, 6 महीना पहले कहा था चुनाव में 6 महीना करीब करीब बाकी है। मित्रों, में पूर्वांचल वासियों को इसका हिसाब देने आया हूं, ये 5 साल में नरेंद्र मोदी सरकार ने पूर्वांचल के विकास के लिए क्या किया। उत्तर प्रदेश का पूर्वी हिस्सा मित्रों 50 करोड़ लोगों के लिए, देश के प्रधानमंत्री 5 लाख तक की सभी स्वास्थ्य सेवाएं देने की आज इसी समय शुरुआत कर रहे हैं, उनके सम्मान में सभी लोग ताली बजा कर की वाणी जो है